नमस्कार सर्व समीका पार्ट 7 में आज हम पढ़ेंगे सर्व समीका ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के बारे में। इससे पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, उसके बाद ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्व समीका, फिर सर्व समीका नंबर 4 एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी उसके बारे में, और पांचवी और छठी सर्व समीका में हमने पढ़ा था क्यूब के बारे में, होल क्यूब के बारे में, ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए शुरू करें, इसका उत्तर देखें। ए प्लस बी प्लस सी सर्व समीका का आंसर, जो तीन संख्याएं हैं इस बार, पहली संख्या, दूसरी संख्या बी और तीसरी संख्या हो जाएगी आपकी सी, तो तीनों संख्याओं का वर्ग यानी कि स्क्वायर करें। सबसे पहले तो ये करना है, उसके बाद में आपस में तीनों संख्याओं को दो से गुणा करना है, जैसे 2ab, इसी तरह दो को गुणा करें bc से, और इसी तरह दो को गुणा करें ac से। ये है आज की सर्व समीका का उत्तर, और ये रटना नहीं है, आया कैसे वो देखें। देखिए इनमें a प्लस बी होल स्क्वायर जो पहली सर्व समीका थी उसका उत्तर हम करते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इन दोनों से 2ab, इन दोनों से 2bc और इन दोनों से 2ac बना, और तीनों संख्याओं में ये a b c कॉमन है, इसलिए एक एक बार इनका स्क्वायर लिखा। तो फिर आगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac आज की सर्व समीका का उत्तर है ये। तो अब करते हैं उदाहरण, देखें। दो एक्स प्लस तीन वाई प्लस चार जेड का होल स्क्वायर, जहां आपकी पहली संख्या यानी कि ए है 2x, बी है यानी दूसरी संख्या 3y जैसे कि आप देख रहे हैं, और सी यानी कि तीसरी संख्या है 4z। तो सबसे पहले कोई भी सर्व समीका हल करें तो उसमें आपको पहली संख्या, दूसरी संख्या या तीन संख्या हो तो तीनों संख्याएं अलग से लिख लें, उसके बाद सर्व समीका के अनुसार हल करें। तो ये पोर्शन दिया हुआ है उसका हल हमें इस तरह करना है, तो करना क्या है, सबसे पहले पहली संख्या का वर्ग यानी ए का वर्ग, और ए कितना है 2x, 2x का वर्ग प्लस फिर बी का वर्ग, बी का मतलब है 3y, और फिर सी का वर्ग, और सी की संख्या है 4z, प्लस 2ab यानी कि दो को गुणा करना है a 2x इंटू 3y से, यानी b का मतलब 3y, फिर दो को गुणा करना है b और c से यानी इन दो संख्याओं से, 3y इंटू 4z प्लस फिर दो को गुणा करना है a और c, a 2x और सी 4z। ये जो मान लिखा है वही सर्व समीका के अनुसार लिखा है, जहाँ a है वहाँ a का मान, b है तो b का मान, और जहाँ c हो तो c का मान लिखना है। अब हल करें, देखें 2x का स्क्वायर करोगे तो जाएगा 4x स्क्वायर, पहले 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, इसी तरह 3y का स्क्वायर करेंगे तो 3 को 3 से गुणा करें तो 9, और y का स्क्वायर y स्क्वायर। उसके बाद में 4z का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर 16 और z का z स्क्वायर। उसके बाद में इन संख्याओं को गुणा करें, 2 को 2 से 4, 4 को 3 से 12, साथ में x और y तो xy,
दो को तीन से तो छः, छः को चार से तो चौबीस, वाई को जेड से तो वाई जेड। उसके बाद में दो को दो से तो चार, और चार को चार से करेंगे तो सोलह, और एक्स को जेड से किया तो एक्स जेड। ये हो गया आपका फाइनल उत्तर। तो ये सरल समीका है, सरल है, याद रखना है, उसके बाद में इसका एग्जीक्यूट यानी कि हल भी करना है, दर्शाना कैसे करें। पहले संख्याएं मान लें आपकी, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, और उसके बाद में उसी सरल समीका के हिसाब से इन्हें हल करना है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अभ्यास यानी कि होमवर्क की, और करें ये है होमवर्क आज की सरल समीका पार्ट सेवन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की सरल समीका सहायता से हल करना है। पांच क्वेश्चन है, जो चौथा और पांचवा क्वेश्चन है वो संख्यात्मक है सिर्फ, यानी कि उसमें चर राशि नहीं है, तो सीधा हल नहीं करना है उन्हें, इसी सर्व समीका की सहायता से करके देखना है। उत्तर की जांच बाद में कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर एक इसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।